हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मस्ताक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सोनी एक्सपेरिया C3 में यदि चार्जिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको इस बोर्ड से बताऊंगा, इसलिए आप ये मत समझना कि मैं आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर इसमें जो चार्जिंग का जो वोल्टेज होता है वो कहाँ से होता हुआ कहाँ तक जाता है, इसका कंप्लीट सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, यदि आप सोनी एक्सपेरिया 3 यदि चार्ज नहीं हो रहा है तो आप यहां पर सबसे पहले ये देख सकते हैं, ये चार्जर सॉकेट है। चार्जर सॉकेट पर आप यहां पर देख सकते हैं इसका जो प्लस वाला वोल्टेज है वो इस वाले कैपेसिटर पर आता है। ये दो कैपेसिटर हैं जो एक सिरा इनका ग्राउंड से है। यहां पर आपको सबसे पहले चार्जर सॉकेट से कनेक्ट कर देना है और उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपको इस वाले कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक करना है और उसके बाद इस पर, ठीक है। और उसके बाद ये वोल्टेज आता है इस वाले नन्हे से कैपेसिटर पर और उसके बाद ये कैपेसिटर और लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद ये जाता है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये हमारा SD कार्ड का है और उसके ऊपर ये देख सकते हैं ये चार्जिंग IC लगी हुई है। चार्जिंग IC के इस वाले कैपेसिटर पर ये वोल्टेज आ जाता है, हमारे जो चार्जिंग जैक से जो प्लस वाला वोल्टेज आता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों यहाँ पर ये वोल्टेज नहीं आता है तो आप डायरेक्ट चार्जर सॉकेट के प्लस वाले पॉइंट से लेकर आप डायरेक्ट यहां पर जंपर भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों, जैसे ही इस IC के अंदर ये वोल्टेज जाता है जो 5 वोल्ट के समथिंग होता है और उसके बाद ये IC VBAT के वोल्टेज को बनाती है जो 3.7 से लेकर 4.2 के बीच होता है। यहाँ पर आपको 5 वोल्ट के करीब वोल्टेज मिलेगा और उसके बाद यहाँ पर इस पर जब वोल्ट 3.7 से 4.2 के बीच आना चाहिए। यदि दोस्तों आपके 3.7 से लेकर 4.2 तक यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिलता है इस वाले कैपेसिटर पर, तो आपको इस IC के ऊपर थोड़ा सा पेस्ट लगाकर आपको हीट करना है और उसके बाद भी अगर वोल्टेज नहीं आता है तो इस IC को एक बार आपको रिबोल कर लेना है। लेकिन उससे पहले आपको चेक करना है कि यहां तक आपका जो चार्जर सॉकेट से जो वोल्टेज आता है वो यहां तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहे हैं। और उसके बाद ये वोल्टेज आता है यहां पर, आप देख सकते हैं इस वाले कैपेसिटर से सीधा यहाँ पर, ये हमारा बैटरी कनेक्टर है। बैटरी कनेक्टर के पास में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला टेस्ट पॉइंट दे रखा है, इस वाले टेस्ट पॉइंट पर ये वोल्टेज आ जाता है। और उसके बाद दोस्तों, ये यहाँ पर देख सकते हैं ये दो नन्हे से छोटे कैपेसिटर और लगे हैं, इसमें जाता है। और उसके बाद ये एक डायोड है और उसके बाद ये कपल रजिस्टर लगे हुए हैं और उस कपल कैपेसिटर है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेंसिंग रजिस्टर लगा है और उसके बाद सीधा हमारे इस बैटरी कनेक्टर के इस प्लस वाले पॉइंट पर वोल्टेज आ जाता है। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको चेक कर लेना है कि आपका वोल्टेज कहां पहुंच रहा है और कहां नहीं पहुंच रहा है, और उसके बाद आप आसानी से चेक करके अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये चार्जर सॉकेट है और चार्जर सॉकेट का जो ये प्लस वाला वोल्टेज आपको दिख रहा है इन दोनों कैपेसिटर से होते हुए इन दो छोटे कैपेसिटर में जाता है और उसके बाद हमारे इस IC में चला जाता है, IC के इस वाले कैपेसिटर पर, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको वोल्टेज नहीं आता है तो आप चार्जिंग जैक के प्लस वाले पॉइंट से लेकर यहाँ पर आप जंपर भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये IC आउटपुट देती हैं इस वाले कैपेसिटर पर जो 3.7 से लेकर 4.2 के बीच होता है। और उसके बाद ये IC यहाँ से इस कैपेसिटर से वोल्टेज आता है हमारे इस टेस्ट पॉइंट पर और इस टेस्ट पॉइंट से वोल्टेज आता है यहाँ पर इन दोनों दो छोटे कैपेसिटर से होते हुए इस डायोड में जाता है और उसके बाद इस रजिस्टर से सीधा हमारे इस बैटरी कनेक्टर पर चला जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे सोनी एक्सपेरिया 3 इसमें चार्जिंग जो वेज होता है वो होता है, ठीक है। तो आप स्टेप बाय स्टेप C3 में सोनी एक्सपेरिया C3 का ये चार्जिंग डाटा है, इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप चेक करके अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलें यदि आपका इससे ज़रा सी भी हेल्प हुई है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।